प्रेरित पौलुस के रोमियो के नाम पत्री अध्याय 13 वचन 11 और 12 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से उद्धार अब हमारे निकट है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे वचन कहता है, रात बहुत बीत गई है और अभी दिन निकलने पर है, इसलिए अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन हमें साफ बता रहा है कि हम दिन ही दिन उद्धार के निकट जा रहे हैं। वचन कहता है कि ये समय आ पहुंचा है कि अभी तुम नींद से जाग जाओ। इसका मतलब हम सोए हुए हैं और परमेश्वर उसके वचन के द्वारा हमें जगाने की कोशिश कर रहा है। नींद से जाग जाओ, समय आ गया है, वो घड़ी आ पहुंची है कि अभी तुम्हारी नींद खुलनी चाहिए। अभी तुम्हारे आंखों के ऊपर नींद नहीं रहनी चाहिए, बल्कि नींद खुल जानी चाहिए। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से उद्धार अभी हमारे निकट आ पहुंचा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाली हर व्यक्ति जानती है कि दुनिया का अंत होने वाला है और परमेश्वर अधर्मियों का नरक में विनाश करने वाला है और धर्मियों को उसके घर में यानी स्वर्ग में लेने जा रहा है, जहां पर धर्मी अपने महान परमेश्वर पिता के साथ अनंत काल स्वर्ग में रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये है अंत की बात। प्रभु यीशु के सुसमाचार को जितने लोगों ने जाना है, उनके लिए ये सारी बात महत्वपूर्ण है कि दुनिया का अंत होने वाला है, अधर्मियों का विनाश हो जाएगा, धर्मी परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जाएंगे और अनंत काल परमेश्वर के साथ रहेंगे, और उसी को हमने उद्धार कहा है। परमेश्वर का वचन इसी को उद्धार कहता है। उद्धार का मतलब है पापों की क्षमा और स्वर्ग का प्रवेश। पापों की क्षमा पाए बिना कोई मनुष्य स्वर्ग में नहीं जा सकता है, क्योंकि परमेश्वर खुद इतना पवित्र है, इतना पवित्र कि उसके सामने पाप की गंदगी जरा भी नहीं रह सकती है। पाप की बदबू उसके सामने रुक नहीं सकती है। तो जो मनुष्य पापी है, उसकी आत्मा गंदी बन चुकी है, वो परमेश्वर के पास स्वर्ग में कभी नहीं पहुंचेगा। परमेश्वर के पास यानी स्वर्ग में पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें पापों की क्षमा पाना जरूरी बात है, और पापों की क्षमा
प्रभु यीशु के द्वारा हमें मिल जाती है, क्योंकि यीशु ही है जिसने हमारे पापों का दंड लेकर क्रूस पर बलिदान किया है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल सिखाती है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं मिलती है। प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाया ताकि उस पर विश्वास करने वाले हर पापी आत्मा को पाप की क्षमा मिल जाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस घड़ी, जिस समय, जिस साल, जिस महीने में, जिस दिन आपने इस सुसमाचार को ग्रहण किया, विश्वास किया, प्रभु पे विश्वास करके पश्चाताप किया और पापों की क्षमा मांगी, उसी घड़ी आपकी आत्मा का उद्धार हो गया। यानी परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया ताकि मरने के बाद हम यहाँ से छुटकर अनंत जीवन में यानी स्वर्ग में प्रवेश कर सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनने के बाद, उस पर विश्वास करने के बाद और उद्धार प्राप्त करने के बाद विश्वासी लोग वापस सो जाते हैं। ये सोना शरीर का सोना नहीं बल्कि आत्मा का सोना है। 10 साल पहले, 25 साल पहले हमने क्रूस का संदेश सुना, यीशु पर विश्वास किया। आज 25 साल के बाद क्या आप आत्मा में जाग रहे हैं या सो रहे हैं? क्या अभी भी आप होश पे हैं या बेहोश हो गए हैं? परमेश्वर का वचन कहता है जाग जाओ, वो घड़ी आ गई है, वो समय आ गया है। तुमने जब विश्वास किया था तब से अभी उद्धार आपके अधिक नजदीक आ गया है। हमने जब विश्वास किया था और सुसमाचार के संदेश को ग्रहण किया था, उस घड़ी के विचार से, उस दिन की तुलना से आज उद्धार हमारे और करीब आ गया है। इसका मतलब दिन ही दिन हम उद्धार के करीब जा रहे हैं। दिन ही दिन हम उस महत्वपूर्ण अंत के दिन, न्याय के दिन के करीब जा रहे हैं। और इसीलिए हमें सोते नहीं रहना है बल्कि आत्मा में जागते रहना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, करीबन 2000 वर्ष पहले इस वचन को लिखा गया था। आज हम उद्धार के कितने करीब पहुंचे हैं और हम अपने आसपास का माहौल कैसा देख रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये जो भी हो रहा है, ये सारा माहौल देखकर एक व्यक्ति जो आत्मा में जाग रही है वो समझ जाएगी कि अंत कितना नजदीक आ गया है और हम उद्धार के कितने करीब आ गए हैं। और ऐसे लोग जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास तो जरूर किया पर अभी वे आत्मा में सो रहे हैं, वे इस बात से अनजान हो चुके हैं कि उद्धार कितना करीब आ गया है और हम अंत के कितने नजदीक आ गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने खुद इस बात को समझाते हुए उदाहरण दिया पानी में तैरने वाली मछलियों का। मछलियां जब भी पानी में तैरती है उन्हें इस बात का थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं होता है कि अभी हमारे ऊपर जाल आके गिरेगा, हम उन जाल में फंस जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। पानी में तैरने वाली मछलियां जैसे सोई हुई हालत में रहती है, वे आनंद से, खुशी से यहां वहां पानी में दौड़ती है, घूमती है, तैरती है, उन्हें इस बात का थोड़ा भी पता नहीं होता है कि थोड़े ही समय में एक जाल आ गिरेगा, हम उसमें फंस जाएंगे और मर के खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल अंत के समय इन मछलियों के समान दुनिया के लोगों का जीवन बन जाएगा। लोग खा पी रहे हैं, मजा कर रहे हैं, अपने ही जीवन में मशगूल हो रहे हैं, फंसाने वाले फंसा रहे हैं, लूटने वाले लूट रहे हैं, धोखा देने वाले धोखा दे रहे हैं,
बुरे मनुष्य बुरे कामों में बढ़ते जा रहे हैं और ऐसा सोच रहे हैं कि हमें जवाब पूछने वाला कोई नहीं है, हमें देखने वाला कोई नहीं है, हमारा इंसाफ करने वाला कोई नहीं है। लूटने वाले लूट रहे हैं, चोर चोरी कर रहे हैं, बुरे लोग बुरे काम कर रहे हैं, सताने वाले दूसरों को सता रहे हैं, बिना सोच समझे कि समय कम रह गया है, जाल आ गिरेगा, हम उसमें फंस जाएंगे और हमेशा के लिए विनाश हो जाएंगे। वो जाल है अंत का दिन, कोई नहीं जानता वो दिन 2023 में है या 24 में है या 25 में है, पर इतना यकीनन कि वो दिन नज़दीक आ रहा है। और जितने लोग आत्मा में जाग रहे हैं बस वे ही जानते हैं कि हम उस दिन के करीब जा रहे हैं, बाकी सारे लोग अपने अपने रास्तों से चल के अपने अपने जीवन में मशगूल हो गए हैं। और जैसे कि पानी में तैरने वाली मछलियाँ अचानक आ गिरने वाले जाल में फंस जाती है, वैसे ही इन लोगों के लिए वो अंत का दिन रहेगा, अचानक वे देखेंगे प्रभु आसमान से आ रहा है, अचानक एक महाविपत्ति उनके ऊपर आ गिरेगी जिनसे वे बचेंगे नहीं, उनके लिए बचने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वे बस रोते जाएंगे और छाती पीटते जाएंगे और इस बातों की याद करते जाएंगे, मेरे इस दोस्त ने मुझे बताया था यीशु की प्रार्थना करने के लिए, उसने बताया था YouTube पर प्रार्थना देखने के लिए, उसने कहा था प्रार्थना में चलने के लिए, मैंने नहीं सुना। अब क्या करेंगे, अभी बचने का कोई रास्ता नहीं। वो दिन आ रहा है जिस दिन आज हंसने वाले और चैन विलास में रहने वाले रोकर छाती पीट पीट कर उस बात का पछतावा करेंगे कि उन्होंने प्रभु यीशु के क्रूस के संदेश को ठुकराया, अपनाया नहीं, पर तब उनके लिए कोई समय नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हमारी भी वैसी हालत हो जाए। यदि आपने प्रभु यीशु के संदेश को समझा है, जाना है, तो बाइबल कहती है जाग जाओ, सोते मत रहो, नींद मत लेते रहो, जाग जाओ क्योंकि अंत नज़दीक आ रहा है। वचन आगे कहता है रात बहुत बीत चुकी है, शैतान का काम दुनिया में बहुत हो चुका है, बहुत नाइंसाफी, बहुत बर्बादी, बहुत बुरा काम, बहुत अंधकार के काम दुनिया में हो चुके हैं। अभी दिन निकलने पर है, न्याय का समय आने जा रहा है। परमेश्वर उनके लोगों का इंसाफ करने के लिए, परमेश्वर उसके लोगों को न्याय दिलाने के लिए आने जा रहा है। दिन निकलने पर है, रात बहुत बीत चुकी है, अभी दिन निकलने जा रहा है, इसलिए अंधकार के कामों को त्याग दो। अंधकार में सारे बुरे काम होते हैं क्योंकि कोई देखता नहीं है। वचन कहता है अंधकार के कामों को त्याग दो और ज्योति के हथियार बांध लो। क्यों ये सलाह है? अपने आप को तैयार करो क्योंकि वो इंसाफ का दिन, न्याय का दिन आ रहा है और परमेश्वर उसके लोगों को न्याय देगा। परमेश्वर उसके लोगों को सारी यातना, दर्द और पीड़ा से छुटकारा देगा और उनकी आत्मा को अनंत काल का विश्राम देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पूरा संसार अंधकार से और अंधकार के कामों से भरा हुआ है, चारों तरफ लोग बुरे काम कर रहे हैं और हम जब उनके बीच में उनके साथ रहा करते हैं, कितने बार अनजाने में और कितने बार जानबूझकर भी हम बुरे काम किया करते हैं, ये सोचकर कि इसके बिना नहीं जमेगा, ये तो करना पड़ता है, ये तो करना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, बुरा काम करना पड़ता है, रिश्वत देनी पड़ती है, रिश्वत लेनी पड़ती है, हम बार बार बोल रहे हैं ये करना पड़ता है, इसका बिना काम, इसके बिना काम नहीं चलता है। पर ध्यान में रखना,
अंत नजदीक आ रहा है। आप अपनी आत्मा में सोए हुए रहोगे, वो अंत का दिन आपके ऊपर उसी फंदे के समान गिरेगा, उसी जाल के समान गिरेगा जैसे मछली के ऊपर गिरता है, और जैसे दुनिया के सारे अधर्मियों के ऊपर गिरने जा रहा है, वैसा ही आपके ऊपर भी आ गिरेगा, और आपको भी बदलने का और पश्चाताप का कोई मौका नहीं रहेगा। इसलिए वचन हमें पहले ही सावधान कर रहा है, वो दिन आने के पहले ही सावधान कर रहा है, जाग जाओ, रात बीत रही है, सवेरा होने का समय आ गया है, जाग जाओ, अपने आँखों से नींद को हटाओ, जाग जाओ, बुरे कामों का त्याग करो, अंधकार के कामों का त्याग करो। सारी दुनिया बुरे काम कर रही है तो ये मत सोचो कि हमें भी उनके साथ रहते हुए इन कामों को करना चाहिए। हमें दुनिया में रहना है पर दुनिया का नहीं बनना है। हम दुनिया में रहे पर दुनिया के नहीं बने। दुनिया के लोगों की तरह अधर्मी व्यवहार हमें नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अलग किया है, दुनिया से अलग किया है। वो चाहता है हम एक दिन स्वर्ग में पहुँचे, अनंत काल उसके घर में रहे, ये उसकी हमारे लिए योजना है। हालेलुया, हालेलुया। सच्चाई में परमेश्वर दुनिया के किसी भी मनुष्य का विनाश नहीं करना चाहता है, किसी भी मनुष्य का नहीं। परमेश्वर एक को भी नरक की आग में नहीं डालना चाहता है, एक के भी आत्मा का विनाश नहीं करना चाहता है। पर इंसान ही ऐसा दुष्ट है कि वो परमेश्वर की बात को मानता नहीं है। आपने भी अनुभव किया होगा, कोई लड़का बहुत बुरा बर्ताव करता है, माँ बाप उसको सुधारने के लिए और उसमें बदलाव लाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, और बहुत कोशिश करने के बावजूद भी ये सुधरता नहीं है और माँ बाप के लिए एक बड़ा बोझ बनते जाता है। तो अंत में माँ बाप ये बोलना शुरू करते हैं, या तो ये सुधर जाए या तो मर जाए, दोनों में से एक होना चाहिए। कोई बेटा शराबी है, शराब पीता है, घर का सारा सामान बेच डालता है, माँ बाप को मारपीट करता है, बहुत परेशान करता है, शराब पी पी कर बहुत कर्जा बना कर रखा है। कर्जा जिनसे लिया है वो लोग घर पे आते हैं, माँ बाप के पास पैसा मांगते हैं, माँ बाप यहाँ तक तंग हो जाते हैं कि अंत में उनके मुँह से ऐसे शब्द निकलना शुरू होता है, या तो हमारा बेटा सुधर जाए या तो मर जाए। हालेलुया, हालेलुया। बहुत साल पहले एक भाई केंद्र में आए थे ब्रदर से मिलने के लिए, और उन्होंने ब्रदर से कहा, मेरा बेटा इतना बुरा है, इतना बुरा है, इतना बुरा है, मैं और मेरी औरत उससे इतने तंग हो चुके हैं कि मैंने एक दो बार गुंडा को सुपारी दिया था इसको मार डालने के लिए। खुद का बेटा, और वो ब्रदर को बोल रहे हैं, हमने गुंडा लोगों को सुपारी दिया था बेटे को जान से मारने के लिए, इतने हम तंग हो चुके हैं। होते हैं लोग ऐसे, इतने महाभयानक बुरे होते हैं कि उसे ना माँ दिखाई देती है ना पिताजी दिखाई देता है। बिल्कुल वैसे ही दुनिया के लोग परमेश्वर के साथ बर्ताव करते हैं। परमेश्वर किसी के साथ ना इंसाफी नहीं करेगा, वो किसी को खुद नरक में नहीं डालेगा। लोग अपने कदम से चलते जाएंगे, अपने पैर से चलकर नरक में जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर दुनिया के आरंभ से चिल्लाता हुआ आया है, मेरे बच्चों मेरे पास आओ, मेरी बात मानो, मेरे वचन सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, मेरी बातें तुम्हारे शरीर और आत्मा की भलाई के लिए है, मेरी बातें सुनो, मैं बोल रहा हूँ ये सुनो, मैं तुम्हारा जीवन देने वाला परमेश्वर हूँ, मैंने तुम्हें बनाया, मैंने तुम्हें जीवन दिया, मेरी ओर अपना मन लगाओ, मेरी बातों में मन लगाओ। लोग दिन रात कहते आए हैं हमें परमेश्वर की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपने दिमाग से सब कुछ कर सकते हैं, अपनी ताकत से सब कुछ कर सकते हैं, और जब लोग अपने दिमाग से और अपनी ताकत से करने जाते हैं वो सब कुछ शैतान के इशारे के अनुसार करते हैं। बुरा काम करने के लिए हमें कौन कहता है? बुरी बातों में हमारा मन कौन लगाता है? अभी देखो, जब ये प्रवचन शुरू हो जाता है कई सारे लोगों की नींद लगती है,
इन्हीं लोगों के सामने सिनेमा शुरू हो जाए तो नींद नहीं लगेगी। ये मुझे पहले से बड़ा आश्चर्य हुआ था, लोग प्रवचन सुनते समय नींद लेते हैं, और उनके सामने यदि दुनिया का सिनेमा लगाया जाए तो उनकी आंखें कितनी भी भारी क्यों ना हुई हो, सिनेमा शुरू होते ही आंखें हल्की हो जाती है और पूरा सिनेमा खत्म होने तक उन्हें नींद नहीं आती है। ये किसका काम है, ये कौन कर रहा है? आप जानते हैं, अपनी आंखें ऐसी खोलकर, अपने कानों को भी खोलकर परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आत्मा की बड़ी ताकत लगती है, और प्रवचन सुनते समय नींद लेने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती है। वो शैतान खुद आपको नींद लाता है। वो कहता है मत सुनो, मत सुनो, ये मत सुनो, ये बातें मत सुनो, क्योंकि ये बातें यदि आपके कान से अंदर जाएगी, आपके हृदय में जाएगी, तो तुम्हारे दिल में मेरा जो स्थान है वो खत्म हो जाएगा। शैतान इस बात से डरता है कि लोग यदि परमेश्वर का वचन सुनेंगे और उनके कान से उनके हृदय में चला जाएगा, तो उनके हृदय में शैतान के लिए जो जगह है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए शैतान कहता है मत सुनो। लोगों को इसलिए तो नींद आती है। यदि आप भी ऐसी हालत में हो तो सावधान हो जाओ। इसका मतलब शैतान आपको परमेश्वर के वचन से दूर लेकर जाने के लिए कोशिश कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सोते मत जाओ, जागते रहो। यदि आप वचन सुनते समय सो रहे हैं, आपको नींद आ रही है, इसका मतलब शैतान आपको परमेश्वर के वचन से दूर लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। ये उस अंधकार के राजा का काम है। दुनिया में अंधकार बढ़ रहा है, शैतान के काम बढ़ते जा रहे हैं। वचन कहता है अभी दिन निकलने पर है, परमेश्वर का दिन, न्याय का दिन, इंसाफ का दिन आने जा रहा है। इसलिए जाग जाओ और सारे बुरे कामों का त्याग करो, सारे अंधकार के कामों का त्याग करो। परमेश्वर किसी को भी नरक में नहीं भेजना चाहता है, पर दुनिया के आरंभ से आज तक परमेश्वर लोगों को मौका देता आया है बदलने के लिए, सुधारने के लिए। बार बार, बार बार, बार बार वो मनुष्य को मौका देता है, पर मनुष्य के अंदर ऐसा बुरा स्वभाव है कि वो हमेशा परमेश्वर को ठुकराता है। कितने सारे लोग बड़ी परेशानी के समय प्रार्थना में आते हैं, और जब भी प्रार्थना में आते हैं परमेश्वर को वचन देते हैं, प्रभु इस भयानक बीमारी से मुझे चंगा कर दे, मैं जिंदगी भर तुम्हारे भवन में आते रहूंगा, जिंदगी भर तुमसे चिपका रहूंगा, तुम्हारी सेवा करते रहूंगा। जब ऐसी हालत होती है ना कि बचने की कोई उम्मीद नहीं होती, तब ऐसा वचन परमेश्वर को देते हैं। जब प्रभु की दया हो जाती है, यह व्यक्ति ठीक होता है, तंदुरुस्त होता है, और उसका शरीर पहले जैसा उसको लगने लगता है, तब वो इस सोच में पड़ जाता है कि अभी हर बार कोई प्रार्थना में जाने की जरूरत नहीं है, अभी मैं ठीक हो गया हूँ, अभी मैं आराम से काम कर सकता हूँ, अभी मैं पहले जैसा हो गया हूँ। और उसे ऐसा लगता है कि अभी मुझे शरीर में बीमारी आएगी ही नहीं, जैसा मैं पहले तंदुरुस्त था वैसा हो गया हूँ, अभी दोबारा मुझे वो बीमारी नहीं आएगी, तो बार बार प्रार्थना में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा समय हो जाएगा मैं प्रार्थना में जाऊँगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ब्रदर हमेशा कहते थे कि प्रार्थना केंद्र में आकर जितने लोग चंगाई पाए हैं, या जितने लोगों ने परमेश्वर के द्वारा अद्भुत कामों का अनुभव किया है, यदि सब के सब लोग आते ना, तो एक बड़ी जगह भी काफी नहीं रहती। क्यों? हजारों नहीं, लाखों लोगों को इस प्रार्थना केंद्र के द्वारा चंगाई मिली, छुटकारा मिला, आशीष मिली। तो गए कहाँ वो, गए कहाँ? थोड़े बहुत यहाँ वहाँ विश्वास में बने होंगे, बाकी लोग अपने जिंदगी में चले गए। हम बाइबल में वो घटना पढ़ते हैं ना, प्रभु के पास 10 कोढ़ी आ गए, रोकर आंसुओं के साथ
प्रभु से बोल रहे थे, प्रभु दया कर, दया कर। पूरा बदन कोड़ों से सड़ गया है, गांव के बाहर रहना पड़ रहा है। ऐसी दयनीय हालत में थे तब प्रभु के पास रोते रोते बोल रहे, प्रभु दया कर। प्रभु ने उनकी हालत देखी, उसे बड़ा तरस आ गया। 10 जन थे, कोड़ से भरे हुए, बदन से बदबू आ रही है, ना अपने घर में जा सकते, ना गांव में जा सकते, गांव के बाहर इनको रखा गया था। प्रभु ने तरस खाकर उनसे कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। ये प्रभु ने इसीलिए कहा कि इसराइली लोगों को मूसा के द्वारा व्यवस्था दी गई थी, जिसमें यह नियम था कि कोई कोढ़ी ठीक हो जाए तो पहले जाकर याजक को दिखाए। प्रभु ने कहा, जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। वास्तविकता में उनको ठीक होना पहला जरूरी था, बाद में याजक के पास जाना था। पर यदि प्रभु ने कहा, इसका मतलब कुछ तो हमारे लिए अद्भुत चमत्कार हो जाएगा, इस विश्वास को लेकर 10 जन जाने के लिए निकले, याजकों के पास जाने के लिए निकले। और बाइबिल कहती है, जाते जाते उनका कोढ़ निकल गया और सारे के सारे शुद्ध हो गए। सारे 10 कोढ़ी शुद्ध हो गए। और जब उनके ध्यान में आ गया कि हमारा शरीर अच्छा हो गया, हमारा कोढ़ निकल गया, हम ठीक हो गए, तब बाइबिल कहती है इनमें से एक चिल्लाते हुए, प्रभु की महिमा करते हुए प्रभु यीशु के पास वापस आ गया और उसके चरणों पर गिर पड़ा। प्रभु का धन्यवाद करते हुए वो प्रभु के चरणों पर गिर पड़ा। प्रभु ने देखा और सवाल किया, क्या 10 शुद्ध न हुए थे तो 9 कहां गए? क्यों एक ही वापस लौटा, 9 कहां गए? ये प्रभु का सवाल आज भी कायम है, क्या 10 शुद्ध न हुए थे तो 9 कहां गए? और जो आया था रोकर चिल्लाकर प्रभु के एहसानों के लिए धन्यवाद करने के लिए आया था, वो भी इजरायली नहीं था, वो शमरोनी था। प्रभु कहता है इस सामरी के अलावा और कोई ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करे, वो तो आगे चल दिए गए। और ये तो सामरी था, निचले जात वाला था, और ये निचले जात वाला प्रभु के पास आ गया और प्रभु के चरणों को प्रणाम करके चिल्ला कर रोकर प्रभु का धन्यवाद कर रहा है। ये है मनुष्य के दिल की हालत। 10 जन ठीक हो गए, एक कहीं प्रभु के पास वापस आ गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये है मनुष्य की हालत। मनुष्य परमेश्वर को क्यों चाहता है, किस लिए चाहता है? बस अपने फायदे के लिए। अपना फायदा हो गया कि परमेश्वर को छोड़कर चले जाते हैं। मैंने ऐसे भी कई लोग देखे हैं जो बस परेशानी आने के बाद प्रार्थना केंद्र में आते हैं, उनकी परेशानी निकल जाती है, आना बंद कर देते हैं। 6 महीने के बाद, 10 महीने के बाद दोबारा कोई बड़ी परेशानी होती है, फिर से आते हैं, फिर से आते हैं, चंगाई पाते हैं, वापस चले जाते हैं और दोबारा आते नहीं। कुछ समय के बाद परेशानी होती है, आते हैं। तो मुझे सवाल ये होता था कि ये बार बार आते क्यों है? बीमारी आने पर यहाँ क्यों आते हैं, फिर दवा लेने के लिए क्यों नहीं जाते? तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, वहाँ पैसा देना पड़ता है, यहाँ बिना पैसा का काम हो जाता है, इसलिए वो यहाँ पर आते हैं। मेरे मन में ये सवाल था कि यदि इनका प्रभु पे विश्वास नहीं है तो बीमारी आने पर हर 10 महीने के बाद या 8 महीने के बाद प्रार्थना में क्यों आते हैं, डॉक्टर के पास जाकर दवा क्यों नहीं लेते हैं? पवित्र आत्मा ने कहा, ये भी उनका स्वार्थ है कि यहाँ वे मुफ्त में चंगाई पाते हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे, खर्चा होता है, यहाँ बिना खर्चा काम होता है। देखो लोग कितने स्वार्थी है, कितने दुष्ट है। इसलिए मैंने कहा कि परमेश्वर किसी को नरक में नहीं धकेलेगा, लोग अपने कदम से चलकर जाएंगे। जिस शैतान का उन्होंने सुना,
जिस शैतान के इशारे के अनुसार चले और जिस शैतान को खुश किया, वही शैतान कहेगा आओ मेरे घर में, ये मेरा घर है, परमेश्वर ने मेरे लिए बनाया है। नरक शैतान का घर है। शैतान और उसके सारे दूत जिन्हें हम भूत कहते हैं, दुष्टात्माएं कहते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने नरक बनाया है, मनुष्य के लिए नहीं। पर जिस शैतान का सुना है वही कहेगा चलो मेरे साथ, ये तो मेरा घर है, दिन रात मेरा सुना है, तो अभी मुझे ही तुम्हारे ऊपर अधिकार है, तुम्हें मेरे साथ मेरे घर आना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, होश पर आ जाओ, दुनिया का अंत बहुत नज़दीक आ गया है और दिन ही दिन हम उद्धार के नज़दीक जा रहे हैं। यदि आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है और उद्धार को पाया है तो इस अनुग्रह में बने रहने के लिए कोशिश करो, मेहनत करो, बहुत प्रार्थना करो, परमेश्वर के वचनों को पढ़ो, वचन के अनुसार चलते जाओ और साथ ही साथ दूसरों के लिए प्रार्थना करो। आपके घर के लोग, आपके ऐसे लोग जो चाहते हैं आपके आपके साथ स्वर्ग में आ जाए, यदि उनका उद्धार नहीं हुआ है तो उनके लिए घुटने पर आकर आंसू बहाकर उपवास करके प्रार्थना करो, क्योंकि दुनिया का अंत नज़दीक आ रहा है। जब प्रभु आसमान से आएगा किसी के पास पश्चाताप के लिए कोई मौका नहीं रहेगा। ये अनुग्रह का समय शुरू है, पर जब प्रभु आएगा अनुग्रह का समय खत्म हो जाएगा और इंसाफ का समय शुरू हो जाएगा। तब किसी को पश्चाताप के लिए या अपने मन फिराव के लिए मौका नहीं मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु का वचन जगह जगह बताया जाता है, YouTube के द्वारा, Facebook के द्वारा, WhatsApp के द्वारा प्रभु का वचन फैल रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? प्रभु कोशिश कर रहा है, लोगों को अपने पास बुला रहा है, पुकार रहा है। जितने लोग प्रभु की पुकार को सुनेंगे और प्रभु के पास आएंगे, विश्वास में बने रहेंगे, वे बच जाएंगे। जितने सारे लोग बस अपने स्वार्थ के लिए प्रभु के पास आएंगे, वे आत्मा में दोबारा सो जाएंगे। और जितने सारे लोग बार बार सुनकर भी ठुकराते जाएंगे, हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं है। लोग ये भी बोलते हैं कि ये क्रिश्चियन धर्म का परमेश्वर है तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये बोल बोल कर वे उद्धारकर्ता को ठुकरा रहे हैं। हम तो चिल्लाकर लोगों को बताते हैं यीशु मसीह मसीही धर्म का संस्थापक नहीं है, वो क्रिश्चियन लोगों का नहीं है, वो पूरे मानवता का उद्धारकर्ता है और ना ही उसने कोई धर्म बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। लोग कहते हैं कि वो मसीही धर्म का संस्थापक है, पर यीशु ने कोई धर्म नहीं बनाया, कोई धर्म उसने नहीं बनाया। धर्म तो इंसान ने बनाए हैं, परमेश्वर ने नहीं बनाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु हमारा उद्धार करता है और हमारे उद्धार के लिए उसने क्रूस पर बलिदान किया है। उस पर विश्वास करो, आत्मा में जागते रहो, समय नज़दीक आ गया है। आत्मा में जागते रहो, समय नज़दीक आ गया है। बहुत प्रार्थना करो खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए, आपके ऐसे लोगों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, और आपके घर के लोग जिनका उद्धार हुआ भी होगा वो अनुग्रह में बने रहे, इसलिए प्रार्थना करते जाओ। दुनिया की बातों में और अंधकार के कामों में मशगूल मत हो जाओ। वचन कहता है कि ज्योति के हथियार बांध लो, प्रकाश के हथियार, ज्योति के हथियार। क्या है ज्योति के हथियार? प्रार्थना, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की स्तुति करना, विश्वास में बढ़ते जाना, प्रभु के ज्ञान और सामर्थ में बढ़ते जाना, ये है ज्योति के हथियार, इसे बांध लो। प्रार्थना करते जाओ, परमेश्वर के वचन पढ़ते जाओ, वचन के अनुसार अपने आप में बदलाव करते जाओ, विश्वास में मजबूत बनते जाओ। ज्योति के हथियार बांध लो, क्योंकि बहुत जल्दी वो दिन आ रहा है। रात खत्म हो जाएगी, दिन आएगा, और जब दिन आएगा किसी के पास मौका नहीं रहेगा। जब दिन आएगा तब जितने लोगों को परमेश्वर धर्मी पाएगा उन्हें उठाकर स्वर्ग में लेकर जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी
प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा, एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए, यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए, शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए, यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्टात्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।